नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। मध्य प्रदेश में आज से ज्यादा सख्ती, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन समेत पूरे प्रदेश में पाबंदियां 30 अप्रैल तक बढ़ी। मध्य प्रदेश में कोरोना से हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत पूरे प्रदेश में आज से 30 अप्रैल तक सख्ती बढ़ा दी है। इसके मद्देनजर गृह विभाग ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। उधर ग्वालियर में रेमडेसिविर बांटने के लिए रात 11 बजे तक हंगामा होता रहा। इस बीच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी दमोह और बंगाल चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर राज्य केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि बड़े शहरों के साथ अब छोटे जिलों में भी हालात खराब होते जा रहे हैं। बेहतर इलाज की आस में लोग छोटे शहरों से इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर का रुख कर रहे हैं, लेकिन यहां निराशा ही हाथ लग रही है। मंगलवार को इंदौर में सतना से आए युवक ने अस्पताल के बाहर 4 घंटे इंतजार के बाद एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। सागर में फ्रीजर खराब होने से 20 शव सड़ रहे हैं। इधर सरकार के दावों के बावजूद प्रदेश भर में रेमडेसिविर ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड की किल्लत बनी हुई है। इसी को देखते हुए भोपाल में सागर ग्रुप की ओर से 500 बेड और उज्जैन में 300 बेड की अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी। इंदौर में भी राधा स्वामी व्यास परिसर में 600 बेड की व्यवस्था की गई। प्रदेश के सभी नगरों, गांवों, गली मोहल्लों में जनता कर्फ्यू का क्रियान्वयन प्रभावी तरीके से सुनिश्चित किया जाए। इस प्रकार का वातावरण निर्मित किया जाए कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोग स्वयं आत्मानुशासन से व्यवहार करते हुए अपने गली मोहल्ले, गाँव में जनता कर्फ्यू लगाने और उसका पालन करने के लिए स्वयं प्रेरित हो। जनता कर्फ्यू के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में आगामी कुछ दिनों में ही संक्रमण की चेन तोड़ी जा सकती है। आप देख रहे थे अब तक की प्रमुख खबरें। आगे की प्रमुख खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।